हाँ दोस्तों, बिहार बीएड से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि फाइनली बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो किस तरह से रिजल्ट देखना, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बताने आया हूँ कि रिजल्ट आने के बाद अब आपका जो काउंसलिंग है वो कब से कब तक होगी, यानी कि काउंसलिंग के लिए पंजीयन करना आप सभी को अनिवार्य है। जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं आप सभी को अनिवार्य है पंजीयन करना। तो कैसे करना, कब से कब तक करना, आपको वो बताऊंगा। साथ ही तो आगे का जो प्रोसेस है, क्या क्या करना होगा ताकि आप सभी लोग बिहार बीएड गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो या कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में आप एडमिशन प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद जो लास्ट होता है कॉलेज च्वाइस, वो आप सभी लोग कब से कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को बताने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकादराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया गया रिजल्ट आने के बाद, जहां पे ललित नारायण के द्वारा, तो नीचे आते देख सकते हैं 24 अगस्त के डेट में आप सभी का एक नोटिस जारी किया गया, एक सूचना जारी किया गया, जिसे जानना आप सभी को इम्पोर्टेंट है। उससे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार बीएड बिहार डीएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं सारे न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखते हैं, ये रहा सूचना जहाँ पर बताया जा रहा है आप सभी के लिए कि दिनांक 13/8 को आयोजित बीएड 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई। यहाँ पे ललित नारायण के द्वारा सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई दिया जा रहा है, और तो आप सभी को मेरे द्वारा यानी कि एंड्रॉयड पाठशाला टीम की तरफ से भी आप सभी को जो लोग भी क्वालिफाई किए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ। ठीक है दोस्तों, बातें आगे दोस्तों, जहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें ये हैं जो आप देख सकते हैं कि अब क्वालिफाइड, अब रिजल्ट आने के बाद अब आपको क्या करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि काउंसलिंग एवं नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पंजीयन करना अनिवार्य है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे काउंसलिंग और नामांकन, अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं किसी प्राइवेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, तो आपको काउंसलिंग करना होगा। अब काउंसलिंग करने से पहले आपको पंजीयन करना अनिवार्य है जो लोग क्वालिफाई किए हैं। अब बात रहा कि पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कीजिएगा, तो ये इसका डेट है जो आपको जारी कर दिया गया, 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हैं जो लोग क्वालिफाई किए हैं आप सभी लोग पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको ऑप्शन आएगा कॉलेज च्वाइस। अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे ये या पंजीयन नहीं करेंगे, उन सभी को कॉलेज च्वाइस चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे पंजीयन करेंगे उन्हीं को कॉलेज च्वाइस का ऑप्शन मिलेगा, वो लोग कॉलेज च्वाइस करेंगे। अगर आपका नंबर अच्छा आता है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए च्वाइस कीजिएगा, अगर आपका नंबर थोड़ा सा कम आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगी, तो आप सभी लोग प्राइवेट कॉलेज के लिए भी च्वाइस कीजिएगा। तो ये च्वाइस तो कब से कब तक करना है मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों जो है आपका कॉलेज च्वाइस, ये आपको 12 तारीख के बाद यानी कि 12 सितंबर के बाद आपका जारी किया जाएगा। मेरे ख्याल से आपको 15 सितंबर में इसका डेट ला दिया जाएगा आप सभी लोग को कॉलेज च्वाइस करने के लिए। और हाँ, तो रिजल्ट आने के दौरान आप सभी का जो नंबर है बहुत कम आ रहा, लेकिन आप सभी लोग क्वालिफाई हैं और आपको लगता है कि इतना नंबर से मुझे लगता है कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगी, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने में बहुत ही हेल्प करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो भी कॉलेज का च्वाइस का जो प्रोसेस है मैं खुद करूँगा, जहाँ से मेरा जो कॉन्टेक्ट में कॉलेज है वो सभी कॉलेज का नाम डालूंगा। इसके लिए आपका जो भी यूजर आईडी पासवर्ड होता है वो मुझे चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट है कम नंबर में एडमिशन प्राप्त करना किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप में सारा डिटेल भेज दीजिएगा, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प करूंगा। और चाहते हैं ग्रुप से जुड़ना तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि अब आपको रिजल्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसेस करना होगा। तो सबसे पहले जिन लोग का रिजल्ट आ चुका है, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, वो सभी लोग जल्द से जल्द 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि पंजीयन जरूर करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद पंजीयन कराइएगा, उसे कल या परसों होकर 2 दिन में आप सभी लोग को कॉलेज च्वाइस करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जहाँ से आप सभी लोग अपने नंबर के अनुसार कॉलेज च्वाइस कीजिएगा। वहाँ पर आप अपने अनुसार 1 कॉलेज, 2 कॉलेज, 10 कॉलेज, 5 कॉलेज, 15 कॉलेज, जितना मन हो सके उतना कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। आपके नंबर के अनुसार वो कॉलेज अलॉटेड कर दिया जाएगा। जिस दिन कॉलेज आपको अलॉटेड किया जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट रखा जाएगा। जो भी कैंडिडेट है उन सभी को पार्टिकुलर काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाएगा। ये सारा अपडेट आपको ऑफिशियल ललित नारायण के द्वारा ऑफिशियल में
ललित नारायण के ऑफिशियल वेबसाइट में अप टू डेट कर देगा, मैं आपको बता दूंगा। तत्काल दोस्तों काउंसलिंग कराने के बाद उसके बाद आपका एडमिशन मिलती है तो लीजिए, नहीं तो उसके बाद आपका होगा राउंड टू। राउंड टू में आपको फिर से कॉलेज चॉइस करना होगा, उसके बाद प्रोसेस है कंटिन्यू, इस तरह से चलते रहेगा। यही है आपका पूरा एडमिशन का प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों का व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना, और चाहते हैं सेकंड न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जो कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखना।